बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको बताता चलो, दुबई हुकूमत ने जो है वाजिया कर दिया, उनका कहना है कि जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, ये 5-6 मुल्कों के लिए ये जो समझ रहे हैं कि इन्होंने, दुबई ने इनके लिए रूल्स अलहदा कर दिए हैं कि इनको जॉब वगैरह नहीं मिलेगी, इनको ये फ़लाना टमगीना कुछ नहीं किया, इनका कोटा कुछ अलहदा है। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो हम लोगों ने डिपोर्ट किए हैं बंदों को पिछले दिनों, उनके पास ना इंश्योरेंस थी, उनके पास ना पैसे थे, उन लोगों के पास होटल बुकिंग नहीं थी कंफर्म, तो ना ही उनके पास कोई स्पॉन्सर था। तो इसलिए हमें पता चल गया कि ये सिर्फ ये नीयत से आए हैं कि जॉब की नीयत से, इसलिए इनको वापस भेज दिया गया। अगर इनके पास 2000 दिरहम होते या होटल बुकिंग होती तो हमने कभी भी इनको डिपोर्ट नहीं करना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इन मुल्कों से हालात आस्ता तक ख़राब हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, तो ये सबको जो है वो वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा दिया जा रहा है, विज़िट वीज़ा दिया जा रहा है, उधर मिल जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है, कोई मसला नहीं। तो बाहर अल्लाह ताला खैर करे, अपना मुल्क ही होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई सी अपडेट्स आप